बेटे मुझे गलत मत समझना, लेकिन पूरे तजुर्बे के साथ और तुम्हारे प्रति जो लगाव है मेरा, उसके साथ मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, ये केस के लिए कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इनक्यूरेबल। गुरुजी, मैं आपके तजुर्बे की इज्जत करता हूं, लेकिन इस मामले में मेरी भी पढ़ी पढ़ाई किताबें रटा रटा है, ज्ञान सब बेमतलब रह गया है। आप तो जानते हैं गुरुजी कि साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विदाउट अ डेफिनेशन। हर दिल अलग, हर सोच अलग, हर ताले की चाबी अलग। मेरे दोस्त के लिए मुझे कुछ ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो शायद दुनिया के किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपनाया ना हो। यू नो, आई हैव टू गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोथेरेपी। कोशिश करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या करोगे? क्या अवनी एक ऐसी लड़की है जो बचपन में दादी माँ से परियों की, भूत प्रेतों की, जादू मंत्र की कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई है। उसके दिमाग पर काबू पाने के लिए मुझे आपके तंत्र मंत्र के हथियार लगेंगे। क्या आप भूत बाधा उतारने के लिए मुझे झाड़ फूक वाला माहौल तैयार करके देंगे? ठीक है, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसकी शुरुआत यही खतरनाक मोड़ से होती है। इसके पहले कि अवनी पूरी तरह से पागल हो जाए, मैं उसे आगाह करना चाहता हूं कि वो बीमार है। लेकिन वो यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, होशो आवाज खो बैठेगी, इसी का डर है ना आपको? लेकिन मैंने तय किया है कि अवनी को मैं नहीं, सिद्धार्थ से पता चलेगा कि वो मानसिक रोगी है। दैट शी इज अ मेंटल पेशेंट। अगर उस पल का हादसा वो बर्दाश्त कर जाएगी तो आशा की थोड़ी उम्मीद है। अब पता नहीं कि ये सही है कर रहा हूं या गलत, बस मुझे आपके प्रार्थनाओं की ताकत चाहिए। दैट्स ऑल। शुभम।